नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। भाई इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले की भेंट हो रही थी और मुकाबला जो है वो बस थोड़े घंटों के बाद शुरू हो जाएगा और ये मुकाबले का इंतजार सबको था क्योंकि शायद वर्ल्ड कप में इससे ऊपर मुकाबला क्या हो सकता है। जब भारत पाकिस्तान के साथ खेलता है तो आप समझ ही जाते हो, इमोशन दोनों साइड से जुड़ जाती है। पाकिस्तान देखिए डेलिस में खेल के आया है और यूएसए से हारा है क्योंकि यूएसए ने वो मैच एक ही दिन में ना दो बार पाकिस्तान को हरा दिया। पहले वो 20 ओवर वाला मैच टाई हो गया, वहां खुशकिस्मत है कि बच गए, पर उसके बाद फिर 6 गेंदों वाला मैच उसमें फिर हारना ही पड़ा है। इन द बहुत ज्यादा रन दे दिए, 18 रन बहुत ज्यादा होते हैं और वो जब चेज करने आए पाकिस्तान वो बने नहीं, तो बहुत कोई अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है पाकिस्तान ने। और डेलिस की पिच जो है वो प्रोबेबली वॉज द बेस्ट पिच टू बैट ऑन इन यूएस, जहां पे रन बन सकते थे वहां पे रन बनाए नहीं है। बल्लेबाजों ने एक बार फिर धोखा दिया पाकिस्तान की टीम को और जिसके चलते ये मैच उनके हाथ से निकल गया। और ये जब मैच उनके हाथ से निकल गया तो अब सारी दुनिया उनके मीम बनाने लगी हुई है, प्रेशर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान टीम के ऊपर। और चलिए इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए जब ये मामला इंडिया और पाकिस्तान का मैच शुरू होगा ना, ये एक ऐसी पिच पे हो रहा है जहां इंडिया ने ऑलरेडी दो मैच खेल चुकी है और उनको ये कंडीशंस पाकिस्तान से बेहतर पता है, बट डज नॉट मीन कि बहुत कुछ जो है वो कंडीशन से ही सही होता है। आपको उसके बावजूद भी जाके अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है क्योंकि हमने देखा है कि इस पिच पे नाशुआ क्रिकेट काउंटी में जहां पे पिच थोड़ी सी असमतल उछाल वाली है वहां बल्लेबाजी करना उतना आसान हुआ नहीं है। अगर पाकिस्तान टॉस जीतती है तो पाकिस्तान मुझे लगता है कि बराबर पे आगे खड़ी हो जाएगी, फिर अगर इंडिया टॉस जीत गया और पहले बॉलिंग कर ली तो मुझे लगता है कि इंडिया फिर टोटली डोमिनेट करेगा इस गेम में। इंडिया ओवरऑल ऑन पेपर दे लुक फार बेटर टीम, बहुत स्ट्रांग टीम लगती है और रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, 14 बार इंडिया ने ये मुकाबलों में जीत हासिल की है वर्ल्ड कप में और एक बार पाकिस्तान के नाम, तो ये पीछे का रिकॉर्ड जो है ये ऑब्वियसली हिस्ट्री हो चुका है, बट इट डज नॉट मीन कि आगे भी ऐसा ही होगा। मैं क्योंकि बार बार ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक अनप्रडिक्टेबल टीम है, वो कैसा मैच पिछला खेल के आएंगे उसके ऊपर निर्भर ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि उनके सामने जो मुकाबला है ना इंडिया का, जो उनकी रेपुटेशन अभी लॉस हुई है रिसेंटली यूएसए से हार के, तो शायद वो उस मोटिवेशन से आएंगे कि ये उनके लिए शायद सबसे बड़ा मुकाबला अगर वो जीत हासिल करते हैं, अगर मुझे लगता नहीं है कि वो हासिल कर पाएंगे, बट अगर वो कर पाते हैं जीत हासिल इंडिया के सामने तो जो खोई हुई रेपुटेशन थी ना यूएस के सामने वो सारी की सारी वापस आ जाएगी, तो इसलिए उनको हम कम आंक नहीं सकते। उनके दो चार खिलाड़ी जो हैं वो अच्छे हैं, गेंदबाजी अच्छी है, हालांकि मैं ये समझता हूं कि पिछले मैच में गेंदबाजों ने पहले गेम में लाए और उसके बाद में आमिर के वो आखिरी एक ओवर में काम तमाम हो गया, बट ओवरऑल अगर देखा जाए एक ऐसी कंडीशन पे जहां पे उनकी गेंदबाजी शाहीन, आमिर, हैरिस रॉफ ये गेंदबाजी अच्छी करेंगे और नसीम, ये चार फास्ट बॉलर और एक शादाब स्पिनर, तो गेंदबाजी ठीक ठाक है। मुझे लगता है कि टॉस बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है, वेयर एज रोहित शर्मा, अगर इंडियन कप्तान की बात करें हमारे रोहित शर्मा की फॉर्म अच्छी लगी हुई है कप्तान साहब की और कप्तान साहब एक बार फिर जलवा मुझे लगता है दिखाएंगे पाकिस्तान के सामने। विराट कोहली किंग, उनकी बारी ही आई थी आयरलैंड के सामने, इसी मैदान पर रन ज्यादा बने नहीं थे, बट पाकिस्तान के सामने जब खेलते हैं तब तोड़ते हैं, तब रन बनाते हैं और ऐसी उम्मीद कल भी बनेगी कि ये वो रन बनाएंगे और बहुत लंबे रन बनाएंगे। हालांकि ये पिच थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल पिच है, कोई भी बल्लेबाज कभी भी आउट हो सकता है, बट कोहली विल बी अप फॉर द बैटल और उनके साथ साथ ऋषभ अच्छे लगे हैं, हार्दिक पांड्या ने रन बनाए हैं, जो यहाँ पे गेंदबाजी हुई है भारतीय खेमे से वो लाइन लेंथ पता है कहाँ पे गेंदबाजी करनी है और ये मैच मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा व्यूड मैच होगा भारत में, पाकिस्तान में और वैसे भी ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट की अगर बात करें जहां जहां क्रिकेट देखी जाती है खेली जाती है इससे बड़ा मुकाबला नहीं होगा। तो यहां तो तैयारियां हो चुकी हैं, कौन मारेगा ये बाजी, मुझे तो लगता है भारत बाजी मारेगा और भारत क्योंकि अच्छी क्रिकेट भी खेल रहा है, फिर इस पाकिस्तान के पास एक मौका है और आप कभी भी उनको कम आंक दे सकते हैं। इस मैच के बाद मिलेंगे यहीं पे और उसके बारे में चर्चा करेंगे रिजल्ट के बारे में, बट टिल देन आप मैच एंजॉय करिए, देखिए और लुत्फ उठाइए, इंडिया को जीतते हुए देखिए।